डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ वाराणसी में, और मैं इस सीरीज में आपको जानकारी देना चाहूँगा सीजर डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का। हम लोग पहले सीजर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। न्यूरो साइकेट्री की इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर के बारे में। दुनिया की अच्छी खासी जनता सीजर डिसऑर्डर से ग्रसित रहती है। ये एक बहुत ही कॉमन इलनेस है जो कि करेक्टराइज है कि आपका कॉन्शियसनेस या फिर आपकी चेतना चली जाएगी, आप गिर जाएंगे, आपके शरीर में अजीब ढंग की हरकत होने लगेगी। ये ज्यादातर ये इस टाइप के सीजर को हम लोग जनरलाइज सीजर कहते हैं। इसके अलावा भी कई ढंग के सीजर होते हैं जो कि ये पूरी प्रक्रिया न होने के बजाय एक छोटे से पार्ट में आकर के रुक जाते हैं, जैसे शरीर के किसी खास भाग में खिंचाव, फड़कन या मूवमेंट, या किसी अजीब ढंग की हरकतें, चेहरे पे हरकतें, या कोई खास चीजें या दृश्य दिखना जो कि कुछ सेकंड तक रहे। ज्यादातर सीजर डिसऑर्डर अचानक आ जाते हैं और उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ एक सीजर डिसऑर्डर के आने से पहले व्यक्ति को पता चल जाता है कि हाँ, मुझे अब ये होने वाला है, और वो सचेत होकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। सीजर डिसऑर्डर हालांकि कोई जानलेवा चीज नहीं है, और सीजर होते समय उसके व्यक्ति के मुंह में कोई चीज न डाले, कोई जूता न सुंघाए, चम्मच या फिर और किसी चीज से दांत बैठने पर उसको खोलने की कोशिश न करे, बल्कि उस व्यक्ति को बाएं करवट पर लिटा दे और उसको थोड़ा सा सहारा दे सके, ऐसी जगह से हटा दे या ऐसे सामान से हटा दे जिसको उसको नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि कोई धारदार वस्तु, अगर वो आग के पास हो तो आग से उसको थोड़ा सा खींच के दूर कर दे, कोई पत्थर या ईंट के पास अगर गिरा है तो फिर वो सब चीजों को वहां से अलग करके उसको थोड़ा सा सहारा दे ताकि व्यक्ति को चोट कम से कम लगे। एक सीजर या मिर्गी एक मिनट के अंदर खत्म हो जाती है और ये उससे ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन उसके बाद का फेज हो सकता है 2 से 3 मिनट तक चले, जिसमें व्यक्ति बहुत कंफ्यूज सा दिखता है और होश में आने के बाद, और वो कंफ्यूजन का फेज हट जाने के बाद वो पूर्णतः नॉर्मल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जिससे कि बार बार ये ऐसा होने पर व्यक्ति को एक डॉक्टर से या चिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी हालांकि जानलेवा नहीं है, मगर अगर ये ऐसे समय आ जाए जिस समय आप ड्राइविंग कर रहे हो या कोई ऐसी जगह खड़े हो जहां से गिर करके मृत्यु संभव है, या आपके पास हो, या आप तैराकी कर रहे हो, अगर ऐसे समय पर ये सब चीजें आ जाए तो आपकी सीजर डिसऑर्डर या मिर्गी जानलेवा भी हो सकती है। कई बार किसी व्यक्ति को मिर्गी स्वतः हो जाती है, जैसा अभी मैंने बताया, कई बार मिर्गी किसी व्यक्ति को किन कारणों से हो जाती है, जैसे कि पुरानी कैथोड रे की टेलीविजन देखना, एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आंख पे चमके, उस ढंग से नींद की कमी, अचानक से नींद में बीच में जगा दिया जाए, भूख से संबंधित जैसे अगर ग्लूकोज कम हो जाए तब भी सीजर आ सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसको फला कारणों से सीजर आता है या मिर्गी आती है, तो उसको वो चीजों से अवॉइड करना चाहिए, तो इसका उपचार अलग ढंग से होता है। कई बार बच्चों में भी सीजर ऐसा होता है जिसको कि हम लोग एब्सेंट सीजर कहते हैं, जिसमें बच्चा एक तक किसी तरफ देखता है और कुछ सेकंडों के लिए उसका पलक झपकती है और ब्लैंक हो जाता है। कई बार ये शिकायतें स्कूल से मिलती है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, लेकिन जांच से पता चल जाता है कि उसको ये सीजर डिसऑर्डर है, इसको हम लोग एब्सेंट सीजर कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है और बच्चा पूर्णतः नॉर्मल हो जाता है। अगर एब्सेंट सीजर का बचपन में उपचार न हो तो बड़े होकर के वो उसका विकराल रूप ले सकता है, इसको जनरलाइज सीजर हम लोग कहते हैं। तो ये दोस्तों ये बात हो गई बच्चों की। कई बार ऐसी होता है, कंडीशन होती है कि जिसमें कि व्यक्ति को सर पे कोई चोट लग जाए या उसके शरीर सर में कोई पैरासाइट आ जाए, इसकी वजह से भी उसको सीजर हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी उसका कारणों का उचित उपचार किया जा सकता है। ज्यादातर सीजर या फिर मिर्गी के द्वारा पूर्णतः क्यूरेबल है, पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को स्टिग्मा था या कलंक था कि अगर मिर्गी का बीमारी हो रही है तो किसी को बताया ना जाए, छुपा लिया जाए या इलाज ना किया जाए, लेकिन चूंकि इसका इलाज पूरी तरह संभव है तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इसका पूरी तरह से इलाज कराएं।
एक बात मैं खास तौर से इस पे जोर डालना चाहूंगा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि मिर्गी की तरह या सीजर की तरह दिखती हैं। लोग बोलते हैं कि इसका दांत बैठ गया या गश्ती आ गई या चक्कर आ गया, इस ढंग से बोलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सीजर नहीं होती है। ऐसी चीजों को हम लोग सूडो सीजर या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो कि व्यक्ति चिंताग्रस्त व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। ज्यादातर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आपको का एक कारण मिलेगा, कि खास कारण मिल जाएगा जिसके बाद वो व्यक्ति ऐसा कहता है। सीजर डिसऑर्डर में व्यक्ति कुछ मिनटों के लिए बेहोश होता है, लेकिन डिसोसिएटिव या फिर आपको मनोदैहिक जो समस्या है उसमें व्यक्ति कुछ मिनट से लेकर कई घंटे तक बेहोश हो सकता है और बेहोशी में वो उठपटांग हरकतें भी कर सकता है। ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको सीजर डिसऑर्डर या फिर अगर मनोदैहिक समस्या जैसी कोई भी चीजें दिखे तो उसके लिए आप एक मनोचिकित्सक से मिले, क्योंकि मनोदैहिक समस्या या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्योंकि मनोदैहिक समस्या है या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में दवाइयों से उपचार पूरी तरह से संभव नहीं है और इसके लिए आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर दवाइयां जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में यूज की जाती हैं वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को न ठीक करके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के साथ होने वाली बीमारियों के लिए ही यूज किया जाता है, के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसीलिए अगर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है तो कम से कम दवाइयों में सिर्फ काउंसलिंग की मदद से आप ठीक हो सकते हैं। मैं अपने चिकित्सक मित्रों से ये बात का आग्रह करना पसंद करूंगा, जरूरी कि आप अगर लगता है कि आपको किसी व्यक्ति को सीजर डिसऑर्डर है तो आप एक नज़र जरूर डाल दें कि कहीं उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर तो नहीं है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होने के खास रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे किसी यंग लड़की को, जैसे जो आपकी 10 साल से, हो सकता है कि 20, 25 या इवन 30 साल तक की महिलाएं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का शिकार हो सकती है। उनको उनके जीवन में या उनके परिवार में काफ़ी तनाव हो और वो बार बार छोटी छोटी अन्य बीमारियों से आपके क्लिनिक में आ रही, तो आप ज़रूर से इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को कंसिडर जरूर कीजिए। और उसका बाकी चीज़ों उनके लक्षणों का उपचार छोड़ करके अगर हम लोग सीधे डिसोसिएशन का लक्षण का उपचार करेंगे तो उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी।